हिमाचल विधानसभा चुनाव मतदान के लिए केवल कुछ ही दिन बाकी हैं। दोनों बड़े दलों बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पात्रा ने राहुल गांधी के हिमाचल न आने पर भी सवाल खड़े किए हैं। संबित पात्रा ने क्या कहा, विस्तार से सुनिए। आज कुछ सवाल मैं यहां से उठाने वाला हूं। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अव्वल नेता है, वो यात्रा पे निकले हुए हैं। मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी हिमाचल भी आएंगे? वो यात्रा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ये महत्वपूर्ण पड़ाव है चुनाव के दृष्टिकोण से। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी जहां तक मैं जानता हूं एक एनजीओ नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी है। चुनाव लड़ना शायद उसके डॉक्यूमेंट में एक मुख्य अध्याय होगा कि हमें चुनाव लड़ना है। तो स्वाभाविक रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ेगी और लड़ती रही है, क्या उसके पूर्व अध्यक्ष, क्या उसके अव्वल नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में कैंपेन क्यों नहीं करना चाहते? दो चीजें हो सकती है, या तो उनको लगता है कि उनके यहां आने से उनका समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो एक यात्रा में है तो वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि उनका समय बर्बाद होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान के ऊपर ठेस है। और मैं प्रत्येक हिमाचली को कहूंगा कि जो व्यक्ति आपके स्वाभिमान के ऊपर ठेस करता हो, उस व्यक्ति को चुनना नहीं है, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के पार्टी के लिए एक भी वोट नहीं देना है।